हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? और यार दीदा, क्या चल रहा है? दीदा ढोकला बनाते हैं, प्लीज। एक सेकंड रुक जाएगा। तो क्या चल रहा है? और आज तो हम बनाएंगे ढोकला। तुम पहले डिसाइड कर लो कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। हम ढोकला बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इनकी फरमाइश पूरी करी जाए। आज ढोकला ही बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ढोकला बनाने का बेस इंग्रेडिएंट है हमारा बेसन। मतलब सूजी के भी बनते हैं, बेसन के भी बनते हैं, तो हम बेसन के बना रहे हैं। और बेसन के साथ हमें इसमें चाहिए होगा पानी, लेमन, इनो, सॉल्ट। मतलब मैं धीरे धीरे जब डालती जाऊँगी तो बताती जाऊँगी क्या क्या चाहिए। बाकी अभी तो हमें इसका बैटर बनाने के लिए पानी ही डाला है सिर्फ। और आगे बताती हूँ, इसे फेंटना है ताकि इसमें लम्स ना बन सके, क्योंकि फिर वो कच्चे रह जाएंगे ना। तो ऐसे ही इसे मतलब तेज़ तेज़ फेंटते रहना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे लेमन। तो मैंने दो लेमन काटे हैं, जिसमें से मैं डेढ़ तो इसमें डाल दूँगी, बाकी आधा डालूँगी बाद में, वो मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में। और लेमन डालने के बाद भी हम इसे फेंटते रहेंगे, तब भी फेंटना हमारा रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। अब इसमें डालना है सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार। और उसके बाद हम लोग इसमें डालने वाले हैं ऑयल। इसमें ऑयल जाएगा एक टेबल स्पून। फेंटना बिल्कुल नहीं रुकेगा, फेंटते रहिए। और इसके बाद इसे रेस्ट करने रख देना है 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इसे हमें ऐसे ही रखना है। उसके बाद का प्रोसेस फिर बताती हूँ। इतने हम इसे यहाँ पर रखेंगे। हमने गैस में रख दिए कढ़ाई और स्टैंड, ठीक है। और इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। अब हमें इसमें 2 ग्लास पानी डालना है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 20 मिनट तो इसे पकाना ही है। तो इतनी ज़्यादा स्टीम के लिए हमें इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिया है। और इसे अभी ढक के रख देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्टीम पहले से ही बन जाएगी। और इसके बाद हम जिस बर्तन में हम लोग बनाएंगे आगे ढोकला स्टीम करने रखेंगे, उसे हम कर देंगे ग्रीस, ताकि ये चिपके ना इस पे। और फिर ग्रीस वगैरह करने के बाद सब कुछ जब हम लोग देख लेंगे ना, सब कुछ परफेक्ट है एकदम, उसके बाद हम इसमें डालेंगे इनो। सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे इनो, क्योंकि इनो डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट भी ऐसे रखना नहीं है। इनो डालना है और इसे थोड़ा सा इनो मिक्स करना है पूरे बैटर में, और उसके बाद एकदम 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 से सारे काम करने हैं। तो सारी तैयारियां पहले करके रखनी है अपने को। उसके बाद जैसे अब हमने इनो डाल दिया है, और अब हम इससे फिर से करेंगे मिक्स। देखना अभी बैटर थोड़ा सा फ्लफी सा हो जाएगा, सुंदर सा अच्छा सा बैटर बन जाएगा इसका। तो अब जैसे ही बैटर हमारा हो जाता है फ्लफी, हम इससे डाल देंगे। ज़्यादा फेंटना भी नहीं है इसके बाद, इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत हल्का सा, मतलब इतना कि हर जगह पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। अब देखो ये हो गया ना फ्लफी सा। अब हम इसे डाल देंगे दूसरे वाले में, जिस बर्तन को हमने ग्रीस किया था उसमें डाल देंगे हम सारा बैटर अच्छे से एकदम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ज़रा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मतलब इसे थोड़े से मतलब कम भी बना सकते हैं, बट क्या है ना, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, अपन 9-10 लोग साथ में रहते हैं, तो फिर हमें हर चीज़ ज़्यादा बनानी पड़ती है। और फिर उसके बाद ये हो गया रेडी। इसे थोड़ा सा ऐसे दबा लेंगे, क्योंकि फिर ये जो बबल्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे ऊपर आ जाते हैं। अब हम इसे रख देंगे गैस पे। ओ गर्म है, गर्म है, गर्म है।
तो अब हम इसे रख देंगे इसके अंदर और फिर हमें 20 मिनट्स तक वेट करना है। बिल्कुल खोलना नहीं है, ये नहीं कि बीच बीच में खोल के देख रहे हैं, क्योंकि बीच में अगर खोल के देखेंगे तो अंदर जो स्टीम बन रही होगी वो सारी बाहर निकल जाएगी, तो अपना प्रोसेस थोड़ा सा डीले हो सकता है। तो इसे ऐसे एकदम बंद रखना है। तो जी मिलते हैं 20 मिनट बाद। और ढोकला बनाने के बीच में हमें आ गया कुछ काम याद, तो हमने चढ़ा दिया। अब हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने, उसके बाद आते हैं वापस और फिर दिखाएंगे आपको कि कैसे बना है ढोकला। ये था मेरा सेकेंड टाइम था, पहले भी मैंने बनाया हुआ है बट बहुत साल पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा, 9th class में आई थिंक मैं थी जब 9th class में मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम। खुली हुई है शॉप? यस खुली हुई है। सो सी यू। मेहनत वेस्ट हो गई फालतू इतने दूर जाने की, काम तो हुआ नहीं। माँ गिर जाता ना तो सोचो तो तू भी यहाँ से वापस जाता, अगर गिर जाता तो मेरे तो भाई फोन गिरा जाता इसने, मेरा बड़ा वाला नुकसान हो जाता। इतनी सीढ़ियाँ उतर के नीचे गए थे हम और इतनी और चढ़नी है, हाय पर फिर भी काम नहीं हुआ। बीस मिनट हो चुके हैं तो एक बारी चेक करके देखते हैं क्या हाल है। तो चेक कैसे करना है, हमें चाकू डाल के चेक करना है। इसमें देखो अभी इसमें आ रहा है थोड़ा सा, जैसे इसमें लगा हुआ था ना बेसन, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इसमें पानी भी हो गया है कम, तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इसे, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट और लगेंगे, क्योंकि रखेंगे भी लगेंगे भी, क्योंकि ऊपर से तो ये पूरा पक गया, बस एकदम नीचे नीचे बीच में थोड़ा सा रह रहा है, बस 3-4 मिनट बाद फिर ये हो जाएगा एकदम परफेक्ट। तो अब दोबारा चेक किया तो एकदम परफेक्ट जी, बिल्कुल नहीं लगा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे चाहिए था कड़ी पत्ता, मैं आई हूँ कड़ी पत्ते के लिए ऊपर और फिर कड़ी पत्ते का यूज़ दिखाते हैं आपको। आगे हमने इसके लिए एक तड़का सा बनाना है जिसमें चाहिए तेल और चाहिए राई, राई ही पड़ती है इसमें, राई की जगह और कुछ नहीं पड़ता। राई मतलब राई सरसों आई थिंक एक ही होता है शायद। फिर उसके बाद हमने डाला है इसमें कड़ी पत्ता, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची बीच से अलग अलग करके, मतलब पूरी पूरी डालेंगे, ऐसे छोटे पीस करके नहीं डालनी है, चलो जैसी मर्जी वैसे डाल दो। और इसे जी जलाना है हमें, वैसे किसी को जलाना नहीं चाहिए बट फिर भी। अब इसमें डालेंगे चीनी और डालेंगे नमक थोड़ा सा। आग लग गई थी मगर बच गई है। तो अब डालेंगे पानी और जब फ्लेम ऑफ कर देंगे उसके बाद हमें इसमें डालना है नींबू, जो आधा नींबू बचा हुआ था ना वो नींबू अब इसमें डालना है फ्लेम ऑफ करने के बाद। तो अब हम लोग अपना ढोकला देखते हैं, उसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, उसके बाद साइड से नाइफ से थोड़ा सा इसके एजेस को हटा लेंगे ताकि चिपका हो कहीं से तो हट जाए। उसके बाद एक और प्लेट लेंगे और उसमें से कर देंगे हम फ्लिप। ठीक है अब देखते हैं, हमारा ढोकला एकदम बना है परफेक्ट। अब इसे काट लेंगे हम, तो जैसा मर्जी आपको वैसा काट सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं काट रहा हूँ वैसे ही काटना है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप काट सकते हैं इसे। उसके बाद अपना जो ढोकला है वो इतना स्पंजी होना चाहिए, ऐसे है स्पंजी, कि जो हम इसके बाद इसमें वो तड़का वाला पानी डालेंगे ना वो एकदम ये सोख ले। तो हमें ये इतना स्पंजी चाहिए क्योंकि फिर वरना ये सूखा सूखा सा, अगर ये स्पंजी नहीं होगा ना तो ये सूखा सूखा सा होगा, खाया नहीं जाएगा, बढ़िया नहीं लगेगा एकदम भी खाते हुए। तो अपने को ये थोड़ा सा स्पंजी बनाना है जो कि इनो की वजह से ये बनता है, तो इनो डालना भी ना भूलें। अब हम इससे डालेंगे इसमें मिर्ची कड़ी पत्ता और राई वाला पानी और हमारा ढोकला एकदम तैयार।
तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। चाची क्या बना रहे हो आप ये? हम बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्च। क्या क्या किया आपने अभी तक इनमें? हमने आलू मैश करके बॉईल करके आलू मैश किए, फिर फ्राई किए, मसाले फ्राई किए, फिर इसके अंदर भर दिए। फिर भर दिए शिमला मिर्च में ये मसाले। अब इन्हें कर रहे फ्राई। अब इतने करेंगे, इसके बाद भी कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। हाँ। तो इसे रोटी के साथ कैसे खाने वाले हैं? मेरा तो हो लिया, आप जो बाकी बच्चे हुए अब ये फ्राई होंगी और उसके बाद हमारा आज का डिनर है भरवा शिमला मिर्च। दो दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और हम सरवाइव कर रहे हैं विदाउट लाइट। ओवर हो गया अब्बू, और हमारे इन्वर्टर भी जाने वाला है, तो हमने बस किचन की लाइट जलाई है, बाकी सारे घर वाले अंधेरे में बैठे हुए हैं। दिखाते हैं, चलो। कौन जा रहा ताऊ? आज ऊपर है? यस ब्रो। चलो दोबारा। सब अंधेरे में बैठे हुए हैं। दादी सो गई? दादी देख रही हैं यूट्यूब अंधेरे में। और यहाँ पे सौम्या मम्मी और ओलिव बैठे हुए हैं। तूने अपने रूम में ना एक और वो लैम्प जला के छोड़ा हुआ है, ठीक है? बाकी लोग छत में घूम रहे हैं, छत में घूम रहे हैं। दो दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। ये बन रही है शिमला मिर्च, बन चुकी हैं, बाकी इनका तेल निकालने रखा हुआ है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो इससे ज़्यादा शूट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो अगर इतनी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेजेंड पहाड़न। थैंक यू।